हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन तक सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू एंड क्वेश्चन नंबर ट्वेंट्थ थ्री थी देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्या लिखा हुआ है पी क्यू एंड आर तीन पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है इक्वली इट मीनस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका इक्वली है तो ये हो जाएगा वन इज टू वन इज टू वन तीन पार्टनर्स हैं

क्वेश्चन ट्वेंटी वन में ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ था एंड न्यू रेशियो भी दिया हुआ था हमें सिर्फ गेनिंग एंड रेशियो कैलकुलेट करना था बट इस क्वेश्चन में हमें पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है उसके बाद गेनिंग एंड सैक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है तो देखिए न्यू रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में वहां हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ हम थोड़ा सा बस समझेंगे पी एंड क्यू का हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे अगर आप लोग को इस क्वेश्चन में ना समझ में आया तो आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में समझ लेना अच्छे से देखिए आर का न्यू रेशियो दिया हुआ है वन अपॉन सेवन हमें पी एंड क्यू का कैलकुलेट करना है तो हम मान लेंगे लेट टोटल प्रॉफिट बी वन जब किसी एक पार्टनर का न्यू रेशियो दिया होता है तो हम उसके रेशियो को वन से माइनस कर लेते हैं हम मान लेंगे कि फर्म का टोटल प्रॉफिट वन है जिसमें से हम आर के न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे ये हो जाएगा एल्शियम निकालेंगे ये 7 हो जाएगा एंड माइनस वन सिक्स अपॉन सेवन वन से माइनस करेंगे ये हो जाएगा सिक्स अपॉन सेवन इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे हमने टोटल प्रॉफिट वन माना था जिसमें से हमने आर का प्रॉफिट माइनस कर दिया तो बचा कितना प्रॉफिट रिमेनिंग प्रॉफिट रिमेनिंग प्रॉफिट आया हमारा सिक्स अपॉन सेवन आर के प्रॉफिट को माइनस करने के बाद अब इतना प्रॉफिट बचा जिसे हमें इन दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है क्योंकि इन दोनों पार्टनर्स का न्यू रेशियो नहीं दिया होता हमें कैलकुलेट करना है तो देखिए पी का हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे दो पार्टनर्स है ना तो दोनों में हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वन अपॉन टू इंटू सिक्स अपॉन सेवन Upon 7, अब प्रॉफिट जो बचा है उसको हम दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हो थ्री अपॉइंट सेवन ऐसी हम क्यू का भी कर लेंगे वन अपॉइंट टू इंटू सिक्स अपॉइन्ट सेवन ये भी हो जाएगा थ्री अपॉइंट सेवन देखिए आर का तो ऑलरेडी दिया हुआ था अब हमने पी एंड क्यू का भी कैलकुलेट कर लिया न्यू रेशियो क्यू एंड आर इन तीनों का न्यू कैलकुलेट किया तीनों को टोटल करिएवन थ्री अपॉइंट सेवन एंड थ्री अपॉइंट सेवन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं थ्री टू थ्री टू वन अब देखिए न्यू रेशियो इनका है थ्री टू थ्री टू वन एंड ओल्ड रेशियो इनका कितना दिया हुआ था वन इज टू वन इज टू वन ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो दोनों निकल गया इसके बाद हम सैक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे देखिए गेनिंग रेशियो एंड सैक्रीफाइजिंग रेशियो गेनिंग रेशियो एंड सैक्रीफाइजिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है ये आप लोग को याद होगा पहले हम पी का कैलकुलेट करेंगे ओल्ड रेशियो कितना है वन अपॉइंट थ्री माइनस न्यू रेशियो थ्री अपॉन सेवन एल्शियम निकालेंगे इसका ये हो जाएगा ट्वेंटी माइनस सेवन थ्री ज्वेंटी अब देखिए पी का न्यू रेशियो ज्यादा है एंड ओल्ड रेशियो कम है इट मीनस ये गेनिंग रेशियो है गेनिंग रेशियो का फॉर्मुला क्या होता है न्यू माइनस ओल्ड हम न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे ये हो गया माइनस टू अपॉन ट्वेंटी वन तो पी का आया गेनिंग रेशियो एंड अब क्यू का करेंगे क्यू का ओल्ड रेशियो है थ्री अपॉन सेवन तीनों को टोटल करेंगे तो सेवन हो जाएगा यहाँ सेवन लिखा हमने एंड इन तीनों को टोटल करेंगे तो थ्री हो जाएगा तो यहाँ हमने थ्री लिखा एलसीएम निकालेंगे ट्वेंटी वन ये कैसे होगा थ्री सेवन ट्वेंटी माइनस सेवन थ्री ट्वेंटी वन थ्री थ्री जो नाइन

माइनस करेंगे देखिए आर का ओल्ड रेशियो ज्यादा है न्यू रेशियो रेशियो कम है. का क्या होता है ओल्ड माइनस न्यू जहां ओल्ड माइनस न्यू करेंगे ये हो जाएगा अपॉन ट्वेंटी वन तो आर का आया सैक्रीफाइजिंग रेशियो अब देखिए लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था जो पार्टनर्स गेन करते हैं वो सैक्रीफाइजिंग पार्टनर को कॉम्पनसेशन पे करते हैं एंड कॉम्पेंसेशन वाला अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका मैंने फॉर्मूला भी बताया था अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ गुडविल वैल्यू ऑफ गुडविल इनटू शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन

हो जाएगा फोर थाउजेंड एंड सेम ही हम Q का भी कैलकुलेट करेंगे Q ने भी गेन किया है तो यह भी R को कॉम्पेंसेशन पे करेगा वैल्यू ऑफ गुडविल कितना है गेनिंग कितना है टू अपॉन ट्वेंटी वन कैलकुलेट करेंगे हो फोर थाउजेंड तो P एंड Q दोनों पार्टनर्स फोर थाउजेंड एंड फोर थाउजेंड आर को देंगे अब देखिए हम जनरल एंट्री करेंगे तो किस पार्टनर्स को डेबिट में डालेंगे एंड किस पार्टनर्स को क्रेडिट में डालेंगे यह भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था पी एंड क्यू आर को कॉम्पेंसेशन पे करेंगे तो पी एंड क्यू का एक्सपेंस हो रहा है लॉस हो रहा है तो इसलिए पी एंड क्यू को हम डेबिट में लिखेंगे पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कॉम्पेंसेशन वाला अमाउंट रिसीव करेगा तो आर को इनकम होगा इसलिए आर की एंट्री हम क्रेडिट में करेंगे टू आरस कैपिटल अकाउंट पी अपने में से देगा फोर थाउजेंड क्यू देगा फोर थाउजेंड दोनों को ऐड कर देंगे ये हो जाएगा एट थाउजेंड आंसर देखिए डेबिट पी एंड क्यू बाई फोर थाउजेंड पी एंड क्यू का डेबिट में लिखा हुआ है फोर थाउजेंड एंड क्रेडिट आर बाई एट थाउजेंड तो हमने भी लिखा टू आर कैपिटल नंबर ट्वेंटी थ्री देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री में बी एंड सी तीन पार्टनर्स है तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है सेवन इज टू थ्री टू टू फ्रॉम फर्स्ट अप्रिलइडेड टू शेयर एट इज टू फोर इज टू थ्री ओल्ड रेशियो इनका दिया हुआ है क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री ओल्ड रेशियो इनका दिया हुआ है सेवन इज टू थ्री इज टू टू एंड न्यू रेशियो दिया हुआ है एट इज टू फोर इज टू थ्री इसमें देखिए हमें गुडविल कैलकुलेट करना है गुडविल का अमाउंट नहीं दिया हुआ है यहां लिखा हुआ है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट द एवरेज ऑफ थ्री इयर्स प्रॉफिट प्रोसीडिंग द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इसमें फोर इयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 2012 टू थाउजेंड ईयर का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो गुडविल आ जाएगा 2015 से 13 तक कैलकुलेट करेंगे यहाँ लिखा हुआ प्रोसीडिंग डेट ऑफ चेंज जिस डेट से उन लोगों का शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ वहां से हम थ्री ईयर का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो हमारा गुडविल आ जाएगा यहां 2015 से उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया तो देखिए एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है इसका टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इयर्स टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 2015 से हम 13 तक काउंट करेंगे थ्री इयर्स का 15 का दिया हुआ है 90,000 प्लस 14 का दिया हुआ है 60,000 एंड 13 का दिया हुआ है 48,000 अपॉन थ्री टोटल नंबर ऑफ ईयर थ्री ईयर का हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा अपॉन थ्री 1,98,000 अपॉन थ्री डिवाइड कर देंगे ये हो जाएगा सिक्सटी सिक्स थाउजेंड देखिए यहाँ लिखा हुआ था कि हम थ्री ईयर का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो गुडविल आ जाएगा तो हमने थ्री ईयर के एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो ये गुडविल का भी अमाउंट हो जाएगा गुडविल इज इक्वल टू सिक्सटी सिक्स थाउजेंड तो अब गेनिंग एंड सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे गेनिंग एंड क्रीफाइजिंग रेशियो सेवन अपॉन ट्वेल्व माइनस न्यू रेशियो दिया हुआ है एट अपॉन फिफ्टीन एलसीएम निकालेंगे हो जाएगा सिक्सटी ट्वेल्व फाइव जो सिक्सटी फाइव सेवन थर्टी फाइव माइनस फिफ्टीन फोर सिक्सटी फोर एट थर्टी टू माइनस कर देंगे देखिए ओल्ड रेशियो ज्यादा है न्यू रेशियो कम है इट मीन ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है थर्टी फाइव माइनस थर्टी टू ये हो जाएगा थ्री अपॉन सिक्सटी यहां लिख देंगे एस बी का कैलकुलेट करेंगे थ्री अपॉन ट्वेल्व माइनस फोर अपॉन फिफ्टीन ये हो जाएगा सिक्सटी ट्वेल्व फाइव 60 फाइव थ्री 15 एंड फिफ्टीन फोर जिक्सटी फोर फोर 16 यहाँ देखिए बी का न्यू रेशियो ज्यादा है एंड ओल्ड रेशियो कम है तो न्यू माइनस ओल्ड करेंगे हो जाएगा माइनस वन अपॉन सिक्सटी बी का आया ratio, अब हम सी का कैलकुलेट करेंगे टू अपॉन ट्वेल्व माइनस थ्री अपॉन फिफ्टीन ट्वेल्व फाइव जिक्वेल्व फाइव जो सिक्सटी फाइव टू टेन माइनस फिफ्टीन फोर जिक्सटी फोर थ्री जो ट्वेल्व न्यू ज़्यादा एंड ओल्ड रेशियो कम है तो इसका आया माइनस टू अपॉन सिक्सटी तो देखिए बी एंड सी ने गेन किया एंड ए ने सैक्रीफाइस किया तो बी एंड सी कॉम्पनसेशन पे करेंगे ए को तो देखिए अब हम कॉम्पनसेशन वाला अमाउंट कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन गुडविल का वैल्यू कितना आया है सिक्सटी सिक्स थाउजेंड पहले हम बी का कैलकुलेट करेंगे उज इंटू वन अपॉन सिक्सटी ये हो जाएगा वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सी का कैलकुलेट करेंगे सिक्सटी सिक्सटी सिक्स थाउजेंड टू अपॉन फॉर्मूला होता है ना इसका वैल्यू ऑफ गुडविल इंटू शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन तो सी ने कितना गेन किया टू अपॉन सिक्सटी ये हो जाएगा टू थाउजेंड टू हंड्रेड यह हो गया इसके बाद हम जनरल एंट्री लिखेंगे तो देखिए बी एंड सी ए को पे कर रहे हैं तो बी एंड सी की एंट्री हम डेबिट में करेंगे यहां लिखेंगे बीस बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड ए कॉम्पेंसेशन वाला अमाउंट रिसीव करेगा तो ए का इनकम होगा तो यहां हो जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट बी का कितना हो जाएगा वन थाउजेंड वन हंड्रेड सी का कितना होगा टू थाउजेंड टू हंड्रेड दोनों को हम ऐड कर लेंगे जाएगा वैल्यू ऑफ गुडविल सिक्सटी सिक्स थाउजेंड एंड डेबिट बी बाई वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सी बाई टू थाउजेंड टू हंड्रेड क्रेडिट ए बाई थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड आंसर हमारा मैच हो गया सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री हमारा कंप्लीट हो गया नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर करेंगे सो इफ यू लाइक वीडियो देन प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग